हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफलर इंडिया पे। फ्रेंड्स, स्टॉक में कैसा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, क्या कुछ इसके स्पॉट और टारगेट रहेंगे और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहले तो एक बार इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट पे नज़र डालते हैं कि कैसे आए हैं, उसके बाद हम चार्ट पे बात करेंगे। यहाँ पे हम आ गए हैं, इनका जो नेट प्रॉफिट आया है वो 3.4% बढ़ के आया है, जो कि रहा है 245.5 करोड़ रुपए का, और जो कि पिछले साल की सेम क्वार्टर में था ये 237.3 करोड़ का। वहीं पे अगर रिवेन्यू की बात करें तो 15.2% बढ़कर ये 2106 करोड़ के आसपास की रही है, जो कि एक साल पहले ये 1829 करोड़ के आसपास की थी। भाई देखो, रिजल्ट अच्छा आया है, रिवेन्यू में काफ़ी अच्छी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव ज़्यादा होने की वजह से जो नेट प्रॉफिट है उसमें थोड़ी सी कम तेज़ी देखने को मिली है। अब ये देखेंगे कि स्टॉक में कैसा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। चार्ट पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम कवर करने वाले हैं, चलते हैं चार्ट पे। तो फिलहाल हम आ गए हैं चार्ट पे। यहाँ पे भाई स्टॉक ने एक सपोर्ट था जिसमें भी मार्केट साइडवे ट्रेंड में ट्रेड करने लग गई है, जहाँ पे 3775 का एक सपोर्ट था, वहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली और नेक्स्ट कैंडल भी पॉजिटिव बनाई है, क्योंकि भी रिवेन्यू काफ़ी अच्छी इंक्रीज हो के आई है, क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आए हैं, उसके बेस पे आपको भाई तेज़ी देखने को मिल रही है। तेज़ी कहाँ तक देखने को मिलेगी, अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे एक ये है कि मार्केट इस टाइप में चली हुई है, तो ये स्पोर्ट से रिकवरी दिखा दिया है, तो टारगेट यहाँ पे 4920 का हो सकता है, ये 4928 का, बट यहाँ पे हम 20 का ही रखेंगे, क्योंकि एक दो पॉइंट ऊपर नीचे से मार्केट एक दो पॉइंट ऊपर निकल भी जाती है जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, और एक दो पॉइंट दो चार पॉइंट, क्योंकि अगर बड़ा स्टॉक है तो ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 लिए हैं, किसी किसी में बहुत ही कम रहते हैं जैसे स्मॉल कैप में, इस तरीके से मार्केट रिटर्न आ सकते हैं, तो टारगेट ये हो सकता है। बाकी खुद की एनालिसिस एक बार जरूर कर लेना, उसके बाद ही अपनी पोजीशन बनाना। तो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा एक, जो कि रहेगा यहाँ पे आज जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है 4129 का रहने वाला है, यहाँ पे 26 पे दी है, 29 पे है। अगर इसका ब्रेकआउट कर देगा तो भाई कन्फर्म है कि भाई जाएगा 4928 तक, ठीक है। अगर भाई यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन दिखाई फिर दिखाई तेजी, तो भाई आप इस चीज़ को कैप्चर कर सकते हो, नज़र बना के रख सकते हो। हाँ, अगर इसने 3775 का ब्रेकडाउन कर दिया तो भाई खतरा बढ़ सकता है, जितना ये एरिया है उतना ही फिर डाउन साइड जा सकता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बाकी एक स्पोर्ट है जो कि रहेगा ये 3373 का, तो ये स्पोर्ट हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है कि भाई अब अप साइड का मूवमेंट हमें दिख जाए। ये तो है नहीं कि डेली पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा, हायर हाई हायर लो हायर हाई ऐसे बनाता हुआ ही अप साइड जाएगा। हाँ, स्टॉप लॉस अगर आप एंट्री बनाते हो तो 3770 का आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। ये थे भाई इसके स्पॉट और टारगेट, और जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट थे वो डाटा भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। होप करते हुए वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को कर दो लाइक, और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ है, मैं किसी को पर्सनल रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप इस स्टॉक में बाई करो सेल करो या होल्ड करो।